हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी लैक्चरर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन का टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सनस बाय डिफरेंट मीनस। एंड कम्युनिकेशन की है, आप एक बंद तो दूजे बंद की करते हैं, अपने आइडियाज़ में की करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है, ठीक है। उस तो बाद कम्युनिकेशन दे विच एक चीज़ हो रहा है कि ये अपन एक दूसरे डिफरेंट डिफरेंट परसन आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ की करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये दो बंद का होना जरूरी है, दो और उस तो ज़्यादा परसन हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन मीनस की है वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, स्पोकन, रिटन, डायग्राम, पिक्चर ते गेस्चर। ठीक है, आप इस मैथड के किसी भी तरीके आप कर सकते, आपके आइडियाज़ में कर सकते, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कहते कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसैस, कहते टू वे प्रोसैस है, कहते सेंडर ते एंड विन फीडबैक रिसीवर टू सेंडर, मिनिमम टू पार्टीज आर इनवोल्व। इस दो पार्टी मिनिमम की होंगी है, ये इनवोल्व होंगी है। इस एक सेंडर होंगे, एक रिसीवर होंगे जो की करता अपना अपने आइडियाज़ नूं की करता, एक सेंटर अपने आइडियाज़ नूं रिसीवर तक पहुँचा। ठीक है, चाहे वह स्पोकन बोल के पहुँचाए, चाहे लिख के पहुँचाए, चाहे वह डायग्राम पिक्चर नाल पहुँचाए, चाहे वह गेस्चर नाल, इन्हां तरीक्यां नाल वो अपने आइडियाज़ नूं एक थान तो दूजी थान तक पहुँचाने च हेल्प करता। आगे देखो कम्युनिकेशन प्रोसैस की है, कहते कम्युनिकेशनस प्रोसैस बिगन्स वैन सेंडर थिंक ऑफ एन आइडिया और मैसेज टू बी कन्वेड टू अदर परसन, दैन द सेंडर इनकोड द मैसेज एंड प्लान आउट द वर्ड्स और द लैंग्वेज इन विच द मैसेज मस्ट बी सेंड टू द अदर पार्टी। आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज द सेंडर ट्रांसमिट्स और ट्रांसफर द मैसेज बाई यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीनस। After transmission, the message reaches to receiver. The receiver decodes the message to understand the message and gives his response or feedback to the sender. When the feedback reaches back to sender, the only communication process ends. देखो सिंपल दी गल है, जिहड़ा पैरा लिखा हुआ है आ डायग्राम ना समझो, जिहड़ा सेंडर है वह मैसेज बना, सेंडर पहला मैसेज पहुँच बनाएगा, फिर इनकोड होएगा, फिर मीडिया इनकोड तो बाद मीडिया किस दे थ्राई आप भेज रहे हैं, फिर डिकोड होएगा, फिर रिसीवर को ले जाएगा, रिसीवर फीडबैक देके फिर सेंडर को ले पहुंचाएगा। पहला सेंडर मैसेज बनाएगा, इनकोड करेगा उस आवाज़ होएगी कि लैंग्वेज दे विच, मीडिया के थ्रू अगे पहुंचाएगा, डिकोड होएगा, रिसीवर रिसीव करेगा, फिर फीडबैक देगा। आही इस बारे च लिखा हुआ, यह प्रोसैस है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन प्रोसैस याद रखना तुसी। ठीक है, इसमें आप डिटेल से करते हैं। देखो सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज एंड कम्युनिकेशन प्रोसैस बिगन्स इमीडिएटली वैन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। सेंडर की करता है अपना मैसेज कन्वे करेगा, उस आइडिया आएगा कि मैं कोई चीज़ भेजनी है। मैसेज की होएगा एक उस आइडिया नू सेंडर की करता है शेयर करन लई उसनू मैसेज बनांदा है। इनकोड का मतलब की हुंदा है, फिर वह किस लैंग्वेज समझ सकता है, वह भाषा गेस्चर पिक्चर वो इनकोड करेगा। मीडिया किस थ्रू भेजना चाहता है, इंटरनेट राही, फोन राही, मैसेज लैटर राही। डिकोड फिर हुंदा मैसेज, फिर लैंग्वेज डिकोड करता, रिसीवर रिसीव कर लैंदा, फिर उसनू फीडबैक भेजता। समझ आ गई स्टूडेंट सारे नूं? अगे देखो स्टूडेंट्स, अगे आंदा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये कहते दो टाइप के होंगे ने, एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे, एक की होंगे इनफॉर्मल। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर।
एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन की होंगे आप ऑफिशियली तरीके नाल एक मैसेज नूं दूसरे मैसेज तक पहुँचाने ऑफिशियली तरीके नाल उन्हों फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लीयर है गल? तो उस तो बाद देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफरस टू ऑफिशियली कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस टू ऑर्गेनाइजेशन वैन एवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्यू और मैसेज और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी और सैटिंग अप ऑफ टारगेट्स ऑबजैक्टिव, ये सारे कि फॉर्मल चाहेंगे। ये आप रिटन फॉर्म नोटिस, लैटर, मैमो, डॉक्यूमेंट्स सारा किस हर चीज़ आप फॉर्मली तरीके करते हैं कम्युनिकेशन। उस तो बाद आ जाता स्टूडेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड के आता स्टूडेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन फोकस किसते करता है?